और शौर्य से सिंचित कारगिल की इस मिट्टी को नमन करने का भाव मुझे बार बार अपने वीर बेटे बेटियों के बीच खींचना था। मेरे लिए तो वर्षों वर्ष से मेरा परिवार आपकी संतान, मेरी दीपावली की मिठास आपके बीच बढ़ जाती, मेरी दीपावली का प्रकाश आपके बीच है और अगली दिवाली तक मेरा पथ प्रशस्त करता है। मेरी दीपावली का उल्लास आपके पास, मेरी मांग आपके साथ। मेरा सौभाग्य है मुझे वर्षों से दिवाली आपके बीच पर आकर मनाने का अवसर मिला। एक और देश की संप्रभु सीमा और दूसरी ओर उसके समर्पित सिपाही, एक और मातृभूमि की ममतामय मिट्टी और दूसरी ओर उसे चंदन मनाकर माथे पर लगाने वाले आप सब मेरे वीर जवान साथी जाबाज। इससे बेहतर दिवाली मुझे और कहां नसीब हो सकती है। और हम सिविलियन लोगों की दिवाली हमारी आतिशबाजी और कहां आपकी आतिशबाजी। आपकी तो आतिशबाजी अलग होती है, आपके धमाके भी अलग होते हैं। साथियों, शौर्य की अप्रतिम गाथाओं के साथ ही हमारी परंपरा मधुरता और मिठास की ही है। इसलिए भारत अपने त्योहारों को प्रेम के साथ मनाता, पूरी दुनिया को उसमें शामिल करके मनाता है। आज कारगिल की इस विजय भूमि से आप सब जवानों के बीच से मैं सभी देशवासियों और पूरे विश्व को दीपावली की हार्दिक बधाई। पाकिस्तान के साथ एक भी लड़ाई ऐसी नहीं हुई है जहां कारगिल में विजय ध्वज न फहराया। आज के वैश्विक परिदृश्य में प्रकाश का ये पर्व पूरे विश्व के लिए शांति का पथ प्रदर्शन करे, ये भारत की कामना। साथियों, दिवाली का अर्थ है आतंक के अंत के साथ उत्सव, आतंक के अंत का उत्सव, यही कारगिल ने भी किया। कारगिल में हमारी सेना ने आतंक के फन को कुचला था और देश में जीत की ऐसी दिवाली मनी थी कि लोग आज भी याद करते हैं।
मेरा ये सौभाग्य रहा, मैं उस जीत का भी साक्षी बना था और मैंने उस युद्ध को भी करीब से देखा था। मैं हमारे अधिकारियों का आभारी हूं, आते ही मुझे कई साल पुरानी मेरी वो तस्वीरें दिखाई जो पल मैं आपके बीच में बिताता था। मेरे लिए पल बड़ी भावुक थी जब मैं खुद उठे, और मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे यादों के अंदर वीर जवानों के बीच में बीते हुए मेरे पल को फिर से आपने मुझे याद कराया। आपका बहुत आभारी। जब हमारे जवान कारगिल युद्ध में दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे, तो मुझे उनके बीच जाने का सौभाग्य। देश के एक सामान्य नागरिक के रूप में मेरा कर्तव्य पथ मुझे रणभूमि तक ले गया था। देश ने अपने सैनिकों की सेवा के लिए जो भी छोटी मोटी राहत सामग्री भेजी थी, हम उसे लेकर यहां पहुंचे थे। हम तो सिर्फ उसे पुण्य कमा रहे थे, क्योंकि देवभक्ति तो करते हैं वो, पर देशभक्ति जिसमें रंगे रंग से रंगे हुए आपका पूजन का मेरे लिए पर्व। उस समय की कितनी ही यादें जो मैं कभी भूल नहीं सकता। ऐसा लगता था चारों दिशाओं में विजय का जय घोष है, जय घोष।